ये वीडियो फर्स्ट सलाइन के बाद निकाला गया था, सो वो इतना स्टेबल नहीं हो रहा था। एंड फिर ये वीडियो रिकॉर्ड करके मैंने उन वेट को भेजा जो जनरली हमारे घर पे आते हैं बाकी हमारे पेट्स एंड एनिमल्स को ट्रीट करने के लिए, तो वो कभी भी मेरी हेल्प करते हैं और इवन ऑन द फ़ोन कॉल। सो उनको ये रिकॉर्ड करके मैंने भेजा ताकि मुझे पता चले इसको एक्चुअली हुआ क्या है और सलाइन के बाद भी इतना अच्छे से स्टेबल क्यों नहीं हो रहा था। इसको चढ़ा दिया गया था, वी आर वेरी लकी टू गेट द डॉक्टर दैट टाइम। तो ये सीन थोड़ा फनी हो गया, घर पे शेरू को लेके आए ताकि उसकी देखभाल कर सके और साहिल जो विंडो पे बैठा है तो वो रोज़ आता है हमारे घर पे, उसके लिए वो यही घर, ये घर उसका है। तो भाई अभी दोनों में ठनी हुई है और मॉम वही देख रही थी कि एग्जैक्टली दोनों का नेचर कैसा है, कौन कैसे रिएक्ट कर रहा है विद होल प्रिकॉशन। तो हम लोग वहाँ पे खड़े होकर देख रहे थे, जस्ट सी दे हाउ दे आर रिएक्टिंग टू ईच अदर, जस्ट सी। तो शेरू जो है हमारे पुराने घर में रहता था और बचपन से वहीं रहा है तो हम लोग को काफ़ी अच्छे से जानता है, एंड इज़ लाइक अ फर्स्ट कैट बोल सकते हैं। और साहिल ने इस घर को चूज़ किया, वो पला बड़ा कहीं और है लेकिन अभी रहता हमारे घर में है, तो दोनों ही इक्वली लाडले हमारे। अब जाके खाना खाया, लाइक रात को उसने खाना खाना शुरू किया, बहुत रात मिली, एंड देन सीधा खडली खडली मोशन। ये उसकी रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें पता चला कि एक्जैक्टली उसका WBC ज़्यादा हो गया है, देर इज़ सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन एंड उसकी वजह से वाइट ब्लड सेल का काउंट ज़्यादा हो गया है। तो अभी बेटर है, बहुत बेटर, और अभी नाम समझ रहा है, आप देख रहे हो वीडियो में ऑलरेडी कडल कर रहा है वो, पैम्परिंग से ही उसको। सो स्टेयर केस भी काफ़ी अच्छे से चल रहा था बट काफ़ी वीकनेस है शरीर में, तो मेडिकेशन पे उसको अभी भी रखा गया है, सलाइन चढ़ रही है लाइक मैं लेके गई थी। एंड फिर उसके बाद में खाना पीना उसको ज़्यादा और अच्छा देना है बिकॉज वी सी कि उसका बॉडी हमेशा हिलता रहता है और अगर वो बैठता है ना तो थोड़ा शिवर भी करता है, बट जिस हालत में देखा था उससे तो बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत ज़्यादा बेटर। सो रियली हैप्पी अबाउट इट, बाकी तो और ध्यान रखना है, सही हो जाएगा एकदम। लेकिन देह स्लाइन का और बहुत ज़ोरदार बारिश हो गई और छतरी उतरी कुछ लेके नहीं गई मैं। दैट्स माई शेरू एंड वो उसका फ्रेंड है, तो फाइनली ही इज़ फीलिंग बेटर एंड बिकॉज ही इज़ फीलिंग बेटर आई एम ऑल्सो फीलिंग गुड। सो लुक आफ्टर, ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर पेट्स अराउंड, टेक केयर। इट्स टू लेट इन द नाइट, आई एम इन दिस गार्डन सो आई विल जस्ट रश होम राइट नाउ। एंड ये मेरे साहिल के लिए है, दोनों के लिए लिया था, इसको दे दिया। दिस इज़ द केबिन जहाँ पे रहेगा अभी, and nothing abhi come back I'll talk to you once I'm home. aao tum jao kidhar gaya kidhar gugu haan ji abhi main kaise khilau ye log to khana kha chuke hain iska baki hai to samajh ke khilana hai। सो अभी वीडियो आज एंड करते हैं यहीं पर, टाइम हो रहा है 1 बजने है ऑलमोस्ट, इट्स लाइक 12:40 समथिंग लाइक दैट। तो व्लॉग आज का इतना ही है, ज़्यादा रिकॉर्डिंग की नहीं है। उसका सबसे मतलब मेजर रीज़न तो ये है कि जो मेरा कैट है, स्ट्रे कैट हु इज़ इक्वली टू लाइक अ पेट, जो भी है यार, बहुत ज़्यादा लगा हुआ है उससे, तो वो बीमार पड़ गया है एंड उसकी रिपोर्ट्स में उसको कुछ इन्फेक्शन आए हुए हैं, तो जो ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसको क्या है ना कि सुबह भी सलाइन लग रही है, फिर शाम को वापस से सलाइन लगती है, तो उसी चक्कर में पूरा दिन जाता है।
एंड उसी और कुछ इतना रिकॉर्ड नहीं. और एक्चुअली ना बहुत हार्ट ब्रेकिंग होता है जब आपके पेट्स हो या फिर आपके आउटसाइड पेट हो जो आपके स्ट्रीट पे हैं, आप उनका ध्यान रखते हो, दे आर इक्वली योर पेट, तो और उनको सडनली ऐसे कुछ हो जाता है. जैसे शेरू का सीन तो ये है कि चलते चलते वो बेहोश हो रहा था, गिर रहा था, उसको उसके ना उसका नाम नहीं समझ में आ रहा था, तो काफ़ी डर गई थी मैं. और उस और टाइम इतना और था कि उसको लेके भागी डॉक्टर के पास में. लकीली उस वक्त जो हमारे पास वाले डॉक्टर हैं वो मिल गए हमको, एंड उसको डॉक्टर के पास लेके भागी. तो उसको तभी सलाइन चढ़ाया, थोड़ा सा स्टेबल हुआ, फिर उसका ब्लड टेस्ट हुआ. ब्लड टेस्ट आने के बाद पता चला कि इन्फेक्शन है. इन्फेक्शन एग्जैक्टली क्या है वो पता नहीं है, बट उसके WBC काउंट जो है, वाइट ब्लड सेल, उसका काउंट जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है. तो दैट मीन्स देर इज़ समथिंग इन हिज बॉडी, कुछ है उसके शरीर में इन्फेक्शन, तो उसका WBC ज़्यादा बढ़ रहा है, विच इज़ ऑल्सो नॉट गुड. तो अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, भगवान की दया से अभी स्टेबल है बच्चा, एंड चल रहा है, अच्छे से खा रहा है, अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहा है. ट्रीटमेंट उसका और आगे जाएगा, प्रॉपरली उसको ट्रीट करेंगे. बट द थिंग इज़ कि पता नहीं, बारिश में शायद यूजुअली होता है, या क्लाइमेट जब भी चेंज होता है कुछ ना कुछ ऐसा तकलीफें आ ही जाती है. तो स्पेशली बारिश में ये देखा है ना कि जो स्ट्रे पे रहते हैं एनिमल्स, इवन ह्यूमन, तो काफ़ी सफ़र करते हैं. कुछ अचानक से कुछ बीमारी आ जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाता है. तो अभी आसपास में जितने लोगों को हम जानते, लाइक देर आर फ्यू आंटीज हु आर एनिमल लवर, दे हैव पेट्स एट होम. मेरी खुद की जो दोस्त है उसके घर पे पेट है, वो रेस्क्यू भी करती रहती है. तो वन बाय वन सब बीमार पड़ रहे हैं, और कैट्स का तो समझ में ही नहीं आ रहा है. लाइक एक के बाद एक उनको सर्दी हो जा रही है, और फिर उसके बाद किसी को जॉइंडिस हो जाता है, किसी को इतना कफ हो जाता है कि दे आर डाइंग. तो अभी भाई जिनको तो केयर मिल पा रही है, जिनका हम ध्यान रख पा रही है, कोई भी ध्यान रख पा रहा है, वो तो बच जाते हैं. पर बाकी जिनको अगर केयर नहीं मिल रही है, दे एंड देयर लाइफ, मतलब वो नहीं बच पाते. फिर मुश्किल ही है ना, वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि हाउ इट इज़ जस्ट गोइंग वायरल, स्पेशली इन कैट्स इन दिस रेनी डेज. सो ध्यान रखो जितना आप कर सकते हो ना. आसपास के एरिया तो कंट्रोल कर सकते हो ना, दूर दूर अगर नहीं भाग सकते एज अ रेस्क्यूअर, आप समझ सकते हो, वी आर नॉट NGOs लाइक रनिंग एनीवेयर. जो भी है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में, भाई हम कैसे करेंगे ये वो, तो एटलीस्ट आपके जो आसपास के एरिया में है आप हेल्प कर सकते हो. आई अंडरस्टैंड कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम काफ़ी हो जाती है, मुझे खुद को हो रही है कि भाई मुझे ट्रीटमेंट कराना है, एंड देन देर इज़ सम फाइनेंशियल इश्यूज, अंडरस्टूड, बट वी ऑल मैनेज. करना है आप हेल्प तो करोगे एनी विच वेज, तो जस्ट डू इट. सो जो भी है करंटली, ये ऐसा मेरा दिन जा रहा है. कल का भी दिन ऐसे ही गया था, आज का भी दिन ऐसे ही गया है. तो बट आई एम ग्लैड कि उसकी रिकवरी हो रही है. ध्यान और देना है क्योंकि भीगना नहीं चाहिए. वो पहले से उसको कुछ सर्दी हुई थी, वो ठीक हुआ था, बट अभी बारिश की वजह से वापस उसको तकलीफ हो रही है. तो उसका ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है, एंड डेफिनेटली उसको अच्छा एकदम फिर से उस चंगा वाला कर दूँगी मैं सच्ची. सो दैट्स हाउ. आसपास के ध्यान रखिए, खुद का भी, आपके पेट्स का, आपके आसपास के एनिमल्स का, बीइंग एन एनिमल लवर, या फिर अगर आप नहीं भी है तो भी ध्यान रख सकते हो. सो ऑल लाइफ मैटर, जस्ट रिमेंबर दैट, सो यू कैन टेक केयर. So good night, take care, and I'll see you tomorrow with a new vlog, and I'll definitely give you the information. मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी कि रिकवरी कैसी हुई है, एंड वन डे लाइक अगर मैं बाहर जाऊँगी, मेरे स्ट्रे जो है सारे उनको इंट्रोड्यूस कराऊँगी. आप थोड़े बहुत ही मिले हो, आप तो लाइक लकी को मिले हो, न्यूट को मिले हो, मिष्टी को मिले हो, देर आर मैनी अराउंड, एंड दे ऑल आर फैमिली टू अस. So yeah, take care, bye bye, and I'll see you tomorrow with a new vlog. Good night.